सो चार उधर वो का काम मेरा रोज का ना मुझको कोई रोके ना किसी ने रोका सो I wanna hang over tonight I wanna hang सो गाइस पता नहीं आजकल क्या हो गया मेरे माइंड को एक्चुअली क्या है ना कि शादी का बहुत ज़्यादा सीजन रहा है इतनी सारी मैंने जो वेडिंग पार्टी है अभी जो है मैंने अटेंड करी है और इसलिए पार्टी का ये भूत जो है ना सवार हो गया है सो गाइज एक्चुअली कहना क्या था कि सो हेलो गाइज दिस इज बेनी एंड यू वॉचिंग बेनी पूरी ब्लॉग ऐसे कभी कभी मैं अपनी जो ब्लॉगिंग है वो इंग्लिश में स्टार्ट कर लिया करता हूँ तो आज मध्य प्रदेश का राजेंद्र ग्राम जा रहा हूँ जो कि फठार एरिया है हमारा जो गाँव है वो नीचे है और यहाँ से तकरीबन ऊपर जंगल क्रॉस करने के बाद जो है हम जाते हैं उस जगह पे पठार एरिया पे तो अभी सफ़र इन ट्रैवल का जो ब्लॉग है आपको देखने को मिलने वाला है क्योंकि मेरा बैग अभी रेडी है और अभी जो है शाम के 4 बज रहे हैं क्योंकि धूप वगैरह नहीं है ऐसे में सफ़र करने में थोड़ा मज़ा आता है तो आज मैं जा रहा हूँ पठार एरिया जहाँ मेरे चाचा रहते हैं उनकी शादी हो रही है सो गाइस आप जो है ब्लॉग साथ कंटिन्यू बने रहिए एंड आई होप आप इंजॉय कर पाएंगे ब्लॉग पे काफ़ी अच्छा प्लेस है थोड़ा अलग जगह है वो एरिया आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला देख के कुछ अलग देखने को मिल सकता है क्योंकि जंगल क्रॉस करके मैं जो है जाने वाला हूँ उस जगह पे सो बन रही है कंटिन्यू ब्लॉग पे सो गाइस ये मेरा बैग जो है रेडी है क्योंकि 2 दिन मेरे को वहाँ रुकना पड़ेगा और ये मेरी गाड़ी इसी में मैं जाने वाला हूँ एंड दिक्कत वाली बात तो ये है कि मैं अकेले ही जाने वाला हूँ क्योंकि जा नहीं रहा मेरे घर से वैसे रिलेटिव तो वहाँ होंगे उससे भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात यह है कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वो जंगल क्रॉस करके जाना पड़ेगा और ऐसी रास्ता से होकर जाना पड़ेगा कि मतलब आपको क्या ही बताऊँ क्योंकि ऊंचा है थोड़ा सा और एकदम ढलान आपको देखने को मिलेगा अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं तो आपको पता होगा गोरेला पेंड्रा से अगर आप अमरकंटक जाएंगे तो उस तरह का जो रास्ता है आपको देखने को मिलता है एकदम ढाल वाली कुछ इस तरह से टेढ़े मेढ़े से जो आपको आज दिखाने वाला हूँ सो तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं शाम से पहले मेरे को वहाँ पहुँचना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ट्रैवल दोस्तों अभी जो है मैं अपने गांव से 10 किलोमीटर दूर आ गया हूँ इस तालाब है यहाँ पे ठंडी हवा आ रही है मौसम देख पा रहा हूँ कितना अच्छा है तो ऐसे माहौल में ट्रैवल करने का बहुत ही मज़ा है बस कमी है तो एक हम सफ़र की मीन्स इवन मतलब फ्रेंड भी हो सकता है आप गलत मत समझिएगा तो मेरी सफ़र जारी है और अपने ब्लॉग को हम कंटिन्यू करते हैं चलने से के मंजिल आएगी नजर साथ चलने से यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से के मंजिल आएगी नजर साथ चलने से जो पीछे देख पा रहे हैं जो मार्केटिंग एरिया है जो बस्ती है वो इधर समतल क्षेत्र का जो है लास्ट वाला जो मार्केट एरिया है उसके बाद अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो जो पहाड़ी दिख रही है ऊंची सी उसी को क्रॉस करने के बाद हम लोग जाने वाले हैं पठार क्षेत्र में तो
तो अभी मैं आपसे मिलने वाला हूँ इधर की जो लास्ट घर है, समतल क्षेत्र के जो लास्ट घर है वहाँ पे, उसके बाद फिर हमारा जो एडवेंचर सफ़र है वो स्टार्ट होने वाला है। तो हाँ जी, अभी मेरा आधा सफ़र जो है पूरा हो गया है और आप देख पा रहे होंगे वो जो घर दिखाई दे रहा है वो समतल क्षेत्र का आखिरी घर है। ये गांव पौड़ी नाम का एक गांव है। उसके बाद अब आगे आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो एरिया, ये ऊपर पहाड़ी एरिया है जिसको हम पाठे बोलते हैं, और इसी की चढ़ाई हमको करनी है जो अब काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर भरा हुआ है। तो सारा चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो अभी हम अपना एडवेंचर वाला सफ़र स्टार्ट करते हैं। तो साहब, अभी जो है पाठे क्षेत्र का जो है मेन चढ़ाई यहाँ से स्टार्ट होता है। अब अगल बगल देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा जो है कटा फीटा यहाँ पे दरारें हैं। अभी तो ठीक है सूखे में, लेकिन जब बरसात का समय होता है तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। मिट्टी खिसकने लग जाती है, कभी कभी यहाँ पे जाम हो जाता है, गाड़ियाँ अगल बगल ट्रैफिक हो जाता है, और ऐसी बहुत सी समस्या होती है। तो मैं एक जगह रुका हुआ हूँ और देख पा रहा हूँ कि आप नीचे जो वाइट कलर दिख रहा है वो बस्ती है, कितनी छोटी दिखाई दे रही है। और इधर का आप रास्ता देख पाएंगे तो अभी भी ढाल बाकी है। तो हाँ जी, अभी आप लोगों ने देखा कि कितनी ऊंचाई पे हम लोग आ चुके हैं, कितने बड़े पठार पे हम लोग अभी चढ़ चुके हैं, और इतना ही अभी और भी बाकी है। अभी इधर से हम लोग आए हैं, आप देख पा रहे होंगे कितना जो नीचे से हम लोग आए हैं, और नीचे का व्यू तो अभी मैंने आपको दिखाया। तो ये टेढ़े मेढ़ा रास्ता है जो पठार चढ़ने के लिए होता है, आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं देखा होगा, चाहे आप अमरकंटक तरफ से आएँ चाहे आप अनूपपुर ज़िले तरफ से आएँ। फ़िलहाल के लिए तो मैं वेंकट नगर तरफ से आया हूँ। पूरे एक घंटे के सफ़र के बाद, पूरा पठार चढ़ने के बाद जो है मैं पुष्पराजगढ़ जो कि अनूपपुर ज़िले में आता है आ चुका हूँ। और यहाँ से जो है 100 मीटर की दूरी पे, उधर 100 मीटर की दूरी पे जो है वो घर है जहाँ मुझे जाना है। तो जल्दी से चलते हैं वहाँ पे और रेस्ट लेते हैं, काफ़ी थक भी गए हैं हम लोग। सो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं चाचा घर में, देखते हैं कि रिएक्शन कैसा होगा। कैसे दीपक? तो दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ चाचा घर में पाठे में, और ये मेरी बहन है, ये मेरे चाचा हैं, और ये शादी घर यहीं पे हो रहा है। तो दूल्हे से मिलाएंगे हम बाद में। तो आज का ट्रैवल ब्लॉग जो है यहीं पे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमको रेस्ट करना है, बारात की तैयारी भी करनी है। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड लव यू।